Hello everyone, I welcome you all again in this online class organized by Ewing Christian College. I am Abhinav Lal, Assistant Professor in Chemistry in Ewing Christian College, Prayagraj. And today I will study about the different factors which affect ionization energy. In our previous class, we have studied about ionization energy. What does it mean? What are the different conditions in which this energy is measured? And today we will study about the different factors. आज की क्लास में हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के समय अफेक्ट करता है, या उन फैक्टर्स के चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है. करीब 4-5 फैक्टर्स हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पहला फैक्टर जो है वो है एटॉमिक साइज. और ये एटॉमिक साइज जो है ये हमारा एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी है जो हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो हम देखते हैं ये जो पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी था ये इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा था इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. किसी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम मात्रा में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये साइज पे कैसे डिपेंड करता है. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, ग्रुप वन के ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2-1, सोडियम का होता है 2-8-1 और पोटेशियम का होता है 2-8-8-1. तो अगर हम यहाँ पर देखें साइज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने एटॉमिक साइज में ट्रेंड देखा था कि अगर आप किसी ग्रुप में, देर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, तो किसी भी ग्रुप को अगर आप ले लें, यहाँ हमने ग्रुप वन का एग्जाम्पल लिया है, तो किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या साइज कैसे चेंज होता है. यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, When you move from top to bottom in a group, number of shell increases. यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 शेल थे, यहाँ पर 3 शेल थे, 3 शेल हुआ और यहाँ पे 4 शेल हो गया. नीचे आप जाएंगे 5-6 शेल होता जाता है. तो number of shell increases, जिसकी वजह से nuclear attraction for valence electrons decreases. क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे. अगर हम अभी लिथियम का केस देखें, सपोज साइज इतनी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है. अभी हम न्यूक्लियस को फिक्स रखे हुए हैं क्योंकि सारे एटम स्फेरिकल होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट होगा, तो उस सेंटर पॉइंट को हमने फिक्स रखा हुआ है, हम ऑर्बिट्स को बढ़ा रहे हैं. तो लिथियम के लिए अगर वैलेंस शेल यहाँ पे था, सोडियम के लिए थोड़ा यहाँ हो जाएगा, पोटेशियम के लिए यहाँ हो जाएगा. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है. तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो ये लूजली बाउंडेड होंगे, तो इनकी निकलने की जो टेंडेंसी होगी वो आसानी से वो निकल सकते हैं, निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो उसे होगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड इजिली. हेंस क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. तो हम यहां पे देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते जाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन. तो वो इजिली रिमूव होने की टेंडेंसी हो जाती है. तो अगर वो इजिली रिमूव हो जाएंगे तो उनको रिमूव करने के लिए आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक साइज. और अगर हम एक रिलेशन यहाँ पर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. तो
इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है, वो इसी में हमने डिस्कस कर लिया है, इसी में वो पॉइंट आया है, पर हम उसको एक डिफरेंट पॉइंट करके समझ लेते हैं, वो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जो दूसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमने यहीं पे देखा हुआ है कि जब साइज इंक्रीज हो रहा था तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा था। न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट रहा था तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। अगर वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे तो उनको रिमूव करने के लिए जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, रिलेशन हम क्या दे सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, या फिर आप स्लेटर्स रूल में जो हमने जब कोवेलेंट रेडियाई के फैक्टर पढ़ा था, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी पढ़ा था। तो आप कह सकते हैं एक दूसरा रिलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मतलब क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर था, तो पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तीसरा जो फैक्टर है वो भी समवॉट रिलेटेड है, समवॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओनली और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओनली, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल। तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल। अब ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, अगर हम किसी एटम को देखें, ये आपका न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, अगर हम थर्ड शेल तक देखते हैं और हमको कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, इसको अगर हमको बाहर निकालना है तो इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, एक न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे वो अट्रैक्टेड है। जब हमने स्लेटर्स रूल पढ़ा था, जब हम कोवेलेंट रेडियस के लिए फैक्टर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हमने कैलकुलेट किया था तो वो जो हम ये हमें आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेट किया था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस, यहाँ पर एस जो था ये स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट था, और हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट किया था। और ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट होता है ये किसके बेसिस में कैलकुलेट होता है, ये होता है बाय द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हुई थी, तो ये जो फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल, ये वही शील्डिंग इफेक्ट को लेकर यहाँ पर आएगा। आप इमेजिन करिए कि दो केस है जिसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स एक में ज्यादा है और एक में कम है। सपोज एक एटम है एटम ए और एक है एटम बी, दोनों के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम ए एंड एटम बी। अब उसमें अगर हम देखें इन दोनों में जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज इसमें नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स 10 है और सपोज इसमें नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स 18 है, ठीक है, हम कोई दो एग्जांपल ले रहे हैं एटम ए एंड एटम बी, और अगर हम उनमें नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स देखें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, किसमें शील्डिंग ज्यादा होगी या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसे होगा क्या, शील्डिंग
effect or screening effect will be more. तो इसका मतलब क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है यहां पर और न्यूक्लियस के बाद आपका आउटरमोस्ट शेल है. अभी अब हम इसको कंसिडर करते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है जिसको निकलना है बाहर. अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये एज अ शील्ड काम कर रहे हैं. तो जिस भी एटम में ये जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे तो वो शील्डिंग का बहुत बेटर काम करेगा, बहुत बेटर शील्ड की तरह काम करेगा. तो उससे होता क्या है, शील्डिंग से एक्चुअली में होता क्या है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो रहा था न्यूक्लियस से वो अब उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. उसी को हम कहते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो शील्डिंग वहां पर उतनी ज्यादा होगी. तो उससे होगा क्या, देयर विल बी डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो शील्डिंग की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था वो कम हो गया. तो अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था वो कम हो गया, वो कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या होगा, ये इजिली रिमूव होना चाहेगा या आसानी से वो रिमूव हो जाएगा. तो अगर आसानी से रिमूव हो जाएगा इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. तो हम क्या एक रिलेशन यहां पर लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा. शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो एक्चुअल में जब हम ये रिलेशन लिखते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका एक्सप्लेनेशन ये है. आप यहां पर देखिए हमने क्या किया, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, फिर लास्ट वाला पॉइंट देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, अगर ये ज्यादा है तो ये कम आ रहा है, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और अगर इक्वल होता है, जैसे हमने न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला सेकंड फैक्टर में देखा था, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था. वहां क्या था, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा था, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. पर यहां पर तो ये जब आप लिखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा. जब अगर आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आप केवल इतना लिखकर आप नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी. ये रिलेशन सही है, आपने एक लाइन पे रिलेशन दे दिया, बट वो क्यों होता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज, कि अगर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उससे क्या चेंज होगा, उससे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगी. तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से क्या चेंज होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो घट जाएगा. तो उससे क्या इफेक्ट होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाएगा और आसानी से निकल सकता है. तो इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, और हम इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सब शेल्स ऑफ सेम एनर्जी शेल और सेम एनर्जी लेवल. अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, अगर हम किसी कोई एक एटम का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज उसमें चार एनर्जी लेवल हैं या एनर्जी शेल्स हैं. तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल. ठीक है, अब आपको पता होगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल हो सकता है, तो केवल 1s होता है. दूसरा जो शेल है उसमें दो सब शेल्स हो सकते हैं, 2s एंड 2p, फिर इसमें 3s, 3p, 3d और इसमें 4s, 4p, 4d, 4f. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो फैक्टर है यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं
कि अगर किसी एक ही एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बार बार क्या कह रहे हैं कि एनिहिलेशन एनर्जी के डेफिनेशन में बात हो रही है वैलेंस शेल की, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी तो दूसरी चीजें हैं। शेल के अंदर सबशेल होता है, फिर सबशेल के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पी के पी एक्स पी वाई पी जेड होंगे, डी के अपने पांच होते हैं, सात के एफ के सात होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम दो केस लें, हमारे पास दो एटम हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल है और एक में हम 4s-, एक हमारा एटम जो है एटम ए, इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 4s से, और एक जो एटम बी है उसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 4p से। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि दो एटम है हमारे पास, एक एटम पे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कहां से, 4s से, और एक में हम निकाल रहे हैं 4p से, तो एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि दोनों किसमें हैं, फोर्थ शेल में है। और अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा, मतलब जो हमने फैक्टर्स देखा, उसमें हम शेल लेवल तक जा रहे थे, पहले शेल से निकल रही है, दूसरे शेल से तीसरे शेल में। अब जब हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहां पर जो दोनों केस में वो फोर्थ शेल से निकल रहा है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट है तो वहां पर कैसे इफेक्ट होता है। तो वहां पर जो टर्म यूज होता है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, जो हमारे पास जो चार सब शेल्स होते हैं एस पी डी एंड एफ, जब ये किसी एटम में प्रेजेंट हैं तो एस सबशेल इज मोर पेनेट्रेटेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू पी, देन पी इज मोर पेनेट्रेटेड इन कंपैरिजन टू डी, एंड देन डी इज मोर पेनेट्रेटेड इन कंपैरिजन टू एफ। ये पेनेट्रेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि फोर्थ शेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4s में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, 4p में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है, 4d में कुछ इलेक्ट्रॉन है और 4f में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे? तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो s वाला जो है, क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, तो 4s में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। फिर अगर हम पी वाले को देखें, अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहां हमने एग्जांपल लिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन 4s में और इलेक्ट्रॉन 4p में है, तो s ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहता है और वो ज्यादा पेनिट्रेटेड रहता है। पेनिट्रेटेड का मतलब है वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अगर हमको दो केस है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन 4p से निकल रहा है, तो क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन s वाले में ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो उससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, मोर द पेनिट्रेशन मोर विल बी द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है सो ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हम इनमें देखना चाहें तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी, इसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट हमको ये बताता है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है 3s और एक एटम का 3s दिया हुआ है, दूसरे वाले का 4p दिया हुआ है, तो आप तब पेनिट्रेशन इफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो दिया हुआ है वो 3s थर्ड शेल के लिए दिया हुआ है और दूसरा दिया 4p मतलब फोर्थ शेल के लिए दिया हुआ, तो वहां सिंपली आप एक्सप्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल, जिसमें शेल ज्यादा होंगे उसकी साइज बड़ी होगी तो अट्रैक्शन वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला फैक्टर है ये तब काम करता है जब आप कंपेयर कर रहे हो सब शेल्स जो सेम एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट हैं।
So the last and the most important factor which affects ionization energy is इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब हमने इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और स्पेशली सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, जब हमने एक एग्जांपल लिया था मेटल एम का और हमने देखा था मेटल एम कन्वर्ट हो रहा था एम प्लस में, फिर एम प्लस से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और वहाँ पर मैंने बताया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी सिमिलर नहीं होगा किसी भी केस में. तो वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तभी हम क्लियरली बता पाएंगे कि फर्स्ट वाला ग्रेटर होगा या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की कितनी एनर्जी लगनी चाहिए वहाँ पर, और स्पेशली टू अंडरस्टैंड सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी. एक के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और किस में कम एनर्जी लगेगा. तो इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जब आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एटम पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, और वो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो इजिली वो उस स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहता. तो अगर आपको उसको उस वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा या तो हाफ फिल्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन से या फुल फिल्ड वाले से, आपको ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर देना पड़ेगा. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं फिर कंपेयर करेंगे. जैसे हम अगर लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-1. ठीक है, तो अगर हम लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है या जो यूज हो रहा है उसको हमने मेंशन कर दिया आयनाइजेशन एनर्जी 1. तो हो क्या रहा था, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अभी 2-1 था क्योंकि ऑक्टेट रूल के भी एक्सेप्शंस हैं जो लोअर एटम्स हैं जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उनके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता. उनके लिए हम ये कहते हैं कि अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होते हैं. तो यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ पर अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2. अगर हम इसको ऑर्बिटल लेवल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s1 और ये हो जाएगा 1s2. तो एक ही फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको, 1s2, 2s1 और ये हो जाएगा 1s2. अब आप देखिए, अगर हम लिथियम प्लस जब आपके पास बन गया है तो अगर हम इससे ज्यादा इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या हम निकाल सकते हैं, तो आंसर होगा बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये एक्चुअल में ये प्रोसेस खुद से नहीं हो रहा है जिसको हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं. तो ये प्रोसेस खुद से नहीं हो रहा, आप इसको करवा रहे हैं, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आप वो प्रोवाइड करेंगे तो वो निकलेगा. पर बात यहाँ पर ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जितनी एनर्जी पहले के लिए लग रही थी तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी. तो आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ पर ये होगा कि अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है. अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें तो दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो एटम जो है या कोई भी स्पीशीज है जब वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है तो वो आसानी से उसको लूज नहीं होने देगा. तो अगर आप फिर भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने सपोज Ie2 अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड की तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये बनाया लिथियम 2+ और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1. तब बात यहाँ पर ये आती है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा. तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1.
और इसकी वैल्यू है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है लिथियम के लिए IE1, इट इज इक्वल टू 520 किलो जूल पर मोल। जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी थी कि लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो 520 किलो जूल पर मोल थी। और हमने क्या देखा, अब इसने एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, तो अगर इससे अगर आपको अब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो हमने क्या देखा, क्योंकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे निकलना आसान नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो एनर्जी होगी ये इससे बहुत ज्यादा होगी, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी है समथिंग अराउंड, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, समथिंग अराउंड 3000 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हैं लगभग 6 times वहां पर एनर्जी वहां पर इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां पर एनर्जी क्या, एनर्जी किसमें ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नॉर्मली कई बार पूछा जाता है, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज एन एबनॉर्मलिटी इन द सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरिन को देखो, तो हमने एटॉमिक साइज देख चुका है, पहला फैक्टर जो देखा। तो अगर हम यहां से यहां जाएं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन के लिए होगी, फिर ऑक्सीजन के लिए होगी, फिर नाइट्रोजन के लिए होगी, फिर कार्बन की होगी। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो होता है कार्बन, देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। तो यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। तो ये चेंज क्यों आता है, तो ये चेंज आता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम डिस्कस करते हैं यहां पर। अगर आप नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 और यहां पर है 1s2 2s2 2p4। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो 2p3 है ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। पर इसमें अगर आप देखेंगे 2p4, क्योंकि वैलेंस शेल में अभी इससे अगर आप निकालेंगे तो ये हाफ फिल्ड नहीं है ना ही फुल फिल्ड है। अब आप देखिए, जो हमने इसके पहले वाला पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला फैक्टर देखा था वो भी आप यहां देख सकते हैं, वैलेंस शेल सेकंड वाला है, सेकंड वाला वैलेंस शेल है। हम इलेक्ट्रॉन पी से क्यों निकाल रहे हैं, वही रीजन है, क्योंकि एस और पी में एस ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, पी से निकलेगा। इसीलिए हम कंसिडर अभी क्या कर रहे हैं, केवल पी को कर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहां पर यह हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो होगा क्या, जब नाइट्रोजन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, सपोज जो भी होगा वो N प्लस है, और ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उसका भी अपना एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, O प्लस बनेगा। तो इनमें रिलेशन ये आएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ये, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से वो आसानी से इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहेगा। और अगर वो नहीं डिस्टर्ब होने देगा तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी
देना पड़ेगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, पर यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब हमारी बात आती है यहाँ पर कि ये जो N प्लस अब बना है, इस N प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इस N प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हो गया है 1s2, 2s2, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये हो गया है 2p2। बट ये जो O प्लस बना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p, पहले 4 था उससे एक निकल गया है तो क्या हो गया? 3। अब आप देखिए ये ले आया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें दोनों से, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, अब अगर हम आते हैं रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? तो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन में हम देखते हैं कि N प्लस से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लेंगे हम, तो ये N2 प्लस बना, और O प्लस से निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है O 2 प्लस। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि O प्लस का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है पर जो N प्लस है उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो हाफ फिल्ड से अब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अब N का नहीं रहा, पर O प्लस जो बना है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी? O प्लस को ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो जब हम कंपेयर करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N विल बी लेसर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। इसी को लेकर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब आप थ्योरी एग्जाम देते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, डिस्कस इट बाय गिविंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो वहां पर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। बट अगर वहां पर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो ऑन द बेसिस ऑफ अटेनिंग स्टेबिलिटी वो उस हिसाब से एनर्जी वो गेन करके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। बट यहां पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनना है तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, व्हाई रीजनिंग होगा, व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लेसर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बताना पड़ेगा कि जब नाइट्रोजन न्यूट्रल था तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था हाफ फिल्ड, और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब वो स्टेबिलिटी चली गई है, अब उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। पर ऑक्सीजन के साथ क्या था अर्लियर, इट डज नॉट हैड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया, अब जब इससे इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और ये हमको हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि किस कंडीशन में, न्यूट्रल स्टेट पे या जो भी कैटायनिक स्टेट में वो रहेगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। तो अब इसी में अगर हम देखें, हमने जो एक एग्जाम्पल देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, उसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन था। अगर हम फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? नोबल गैसेस का। और हमको पता है जो नोबल गैसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। और वो क्यों रिएक्ट नहीं करते, वो इसी से हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी एटम रिएक्ट इसलिए करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। तो जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उनके पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो इसलिए रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है, दे हैव ग्रेटर और लार्जर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा बाकी नॉर्मल ग्रुप के एटम से हमेशा ज़्यादा होगी। तो अगर आप किसी एक पीरियड के एटम्स को कंपेयर करने जाएं तो जो नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा ज़्यादा होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमने मेनली 5 फैक्टर्स देखा, हमने देखा एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो अफेक्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में हम एक चीज़ देखना चाहेंगे, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड of ionization energy in periodic table, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं periodic property, और periodic property अगर हम पढ़ रहे हैं तो periodic table में हम atoms की study जो करते हैं या classification करते हैं वो group wise या period wise करते हैं। तो अगर ये group है और कोई एक period है तो हम ये एक general trend देख रहे हैं किसी एक पीरियड में। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से होगा क्या, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस, या डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, उसकी वजह से होगा क्या, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इजिली रिमूव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो होगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। तो हम सिंपल एक ट्रेंड कह सकते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, और जब हम पीरियड की बात करते हैं किसी एक पीरियड में, जब आप लेफ्ट टू राइट, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सो व्हेन यू मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहां पर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो उससे होगा क्या, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है सो रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थैंक यू।